नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए जाने के उद्देश्य से लक्सर SDM गोपाल राम बिनवाल और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद गौहर हयात ने संयुक्त टीम के साथ क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड्स, NCC और NSS के साथ जन जागरूकता तिरंगा रैली निकालकर रैली को लक्सर तहसील मुख्यालय से रवाना किया है। आगराबाद कस्बे में दुकानदारों ने युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। युवक के साथ मारपीट के बाद पुलिस से बचने के लिए दुकानदार ने सामान और गल्ला दुकान से बाहर फेंककर लूट का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हुआ, जिसके आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नेशनल हाईवे पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। जालौन में देर रात रिक्शा से जनरेटर चुराकर चोरी करते हुए एक युवक कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित की पुलिस को घटना की सूचना दी है। CCTV के आधार पर पुलिस घटना की जाँच में जुटी। पूरे कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गणेशगंज की पूरी घटना बताई जा रही है। संबल में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम के जुलूस में करीब 80 से 90 फिट के ताजे निकाले गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुहर्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न देखने के लिए मिला है। लाखों की भीड़ जमा रही। मुहर्रम के जुलूस के दौरान 10 थानों के पुलिस बल, PAC बल तैनात रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। संभल में भी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी तादाद में योग साधक और साधिकाओं ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पूरे शहर भर के स्कूली बच्चों, SSP के अधिकारी, जवानों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान यात्रा में 150 मीटर लंबा झंडा पूरे शहर में ले जाया गया। एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा यहाँ पे आयोजन किया गया है। हजारों लोग इसमें शामिल हैं। मैं श्रीनगर की जनता को, अपने जितने भी पार्षद हैं, हमारे जितने भी यहाँ के व्यापारी लोग हैं और शिक्षा विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, सभी विभागों को धन्यवाद दे रहा हूँ। विशेषकर SSP को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। इस यात्रा में सब लोगों ने बढ़ चढ़ भाग लिया है और 13, 14, 15 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि घर घर में झंडे लगाने हैं तिरंगे, तो हम 5,000 परिवारों में यहाँ पर तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। कोई भी परिवार ऐसा नहीं कि जो तिरंगा लगाए, और सब लोगों को आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर होने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत अनुकृति गोसाई रावत ने लेंसटाउन में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें काफ़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर संपूर्ण देश भर में आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए श्रावस्ती में BJP ने बाइक रैली निकाली। रैली BJP कार्यालय से भिंगा ईदगो चौराहे तक निकाली गई। बाइक रैली में सैकड़ों उत्साहित कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर सेनानी अमर रहे जैसे नारे लगाते हुए नजर आए। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि महिला ने खुदकुशी की है। पूरी घटना की जानकारी होते ही गांव के तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बलरामपुर में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। नेपाली शिकारियों ने हमला किया। सेहलवा वन्यजीव प्रभाग के जंगल में शिकार के लिए नेपाली शिकारी आए थे। सूचना के बाद शिकारियों को पकड़ने गई
वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। हालांकि वन विभाग अधिकारी और पुलिस इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। देवरिया के सुभाष चौक पर समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान के दौरान देवरिया पहुंचे सदस्य विधान परिषद और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलकर सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी ली और सुभाष चौक पर स्थित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई के मुंह में धकेल दिया है और लगातार वो पेपर लीक कर रही है, नौकरी नहीं दे रही। वहीं बिहार में बदलाव को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने झूठों का साथ छोड़ तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में विकास की गति को और नौजवानों को रोजगार देने की राह पकड़ ली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल अजय सिंह कोठियाल पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। वहीं देशभक्ति पर आधारित नाट्य का मंचन कर उपस्थित लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि तिरंगे को लेकर के जिस तरीके से पहाड़ों में प्लेन्स में मैं जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया के जरिए या अपनी जगहों पर जा रहा हूँ, वहाँ पे जो सबके अंदर एक उत्साह है वो तो एक अलग है। और क्योंकि हम एक संस्था चलाते हैं यूथ फाउंडेशन और उसके भी 8-9 कैंप चल रहे हैं आज की तारीख में, तो मैं उन लड़कों को देख रहा हूँ जैसे वो गाँव में जा रहे हैं ना, तो लोग पता एक तो होता है कि हमें तिरंगा दो, ये लोग बोल रहे हैं हमें ये पैसे बेटे वो पोस्ट ऑफिस कहाँ से मिलता है जरा मेरे लिए भी लेकर के आ। ऐसे वो तिरंगे की ना अपनी कहानियाँ बता रहे हैं कि अपने जब हम पहले होते थे तो हम खाली खादी रंग का तिरंगा लगाते थे, आप लोगों की जानकारी ऐसी है वो तो कहते हैं अब तिरंगे को हमको अनुमति मिल गई है कि ये हाथ का बना हो चाहे मशीन का बना हो चाहे पॉलिस्टर का हो चाहे कॉटन का हो, लेकिन दिन रात हम लगा सकते हैं बगैर रोशनी के। रात को पहले होता था ना रोशनी के साथ ही लगा देते। मथुरा पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए अवैध असलहों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री श्रीचंद के दिशा निर्देश में क्षेत्राधिकारी महोदय छाता श्री गौरव त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोसीकला के कुशल नेतृत्व में थाना कोसीकला पुलिस और एसओजी टीम मथुरा के द्वारा अवैध असलहों की खरीद फरोख्त करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 4 सदस्यों को देशी और विदेशी अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत में नामचीन पैथोलॉजी लैब में जांच के नाम पर मरीजों से मनमानी फीस वसूली का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित मरीज के तीमारदार ने पैथ लैब के कस्टमर केयर पर शिकायत के बाद खुलासा होने के बाद सीएमओ आलोक शर्मा ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल पीलीभीत के निवासी सुमेय जसरवाल ने इलाज को लेकर डॉक्टर्स द्वारा लिखी गई हेपेटाइटिस सी वायरल की जाँच शहर के नामचीन लाल पैथ लैब में करवाई थी, जिसकी जाँच की फीस लैब में 4,500 रुपये वसूली गई और उन्हीं की एडवाइस पर एक नंबर भी दिया गया, लेकिन जब देखा गया तो फिर बताया गया कि इस पूरी जांच के पैसे कम लगते हैं, जिसके 1100 रुपये बताए जाते हैं लेकिन यहां पर 4500 रुपयों से वसूले गए हैं। हालांकि यहां पर सीएमओ ने कहा है कि हम इस पूरे मामले पर जांच करेंगे। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज ने महिलाओं को अनोखा तोहफा दिया है। यूपी रोडवेज ने रक्षाबंधन पर बहनों के लिए आगरा आईएसटी डिपो से लंबी दूरी के रूटों पर बसों का विशेष संचालन शुरू कर दिया है। सभी रूटों पर बसों के फेरे भी बढ़ा दिए हैं, साथ ही 24 घंटे इन रूटों पर बसों का संचालन होगा। आगरा में रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में भाइयों को राखी बांधी जाने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए रोडवेज पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा योगी सरकार की तरफ से मुफ्त यात्रा का तोहफा भी दिया गया है। कन्नौज में कायाकल्प योजना से चमकेगा जिला अस्पताल। पीआर असेसमेंट टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में गंदगी देख टीम का पारा चढ़ गया। ठेकेदार को फटकार लगाकर सफाई दुरुस्त करने के यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा से विधायक सैयद खातून ने अचानक से अपने क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चक्र निरीक्षण किया और डॉक्टर्स और कर्मचारियों में इससे भगदड़ मच गई। सैदा खातून ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसा का बारीकी से निरीक्षण किया। अस्पताल की कमियों के बारे में अधीक्षक डॉक्टर और मरीजों से हालचाल जाना। आपको बता दें सबसे बड़ी समस्या दोनों अस्पतालों में महिला चिकित्सक ना होने से है। दशकों से चल रहे इस अस्पताल में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जिससे महिलाओं के इलाज के लिए काफ़ी परेशानियों को उठाना पड़ता है और कई बार बड़ी समस्या भी हो जाती है।
हमीरपुर में दुकान पर अकेले बैठे युवक के साथ दबंगों ने मारपीट किया। आपसी कहासुनी के बाद युवक को पीट पीट कर घायल कर दिया। मारपीट की घटना पास पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों के दखल के बाद मौके से मारपीट कर दबंग फरार हो गए हैं। महोदा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव पर संपूर्ण देश भर में आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए एटा में बीजेपी ने बाइक रैली निकाली। रैली शहीद पार्क से आगरा रोड होते हुए कचहरी और शहर मार्ग में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों उत्साहित कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। योगी सरकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिले के टॉप अपराधियों पर प्रशासन ने सिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वाल्टरगंज थाना के पुलिस हिस्ट्री शूटर श्रवण पटवा के घर पहुंचे। कुर्की के पहले बकायदा मुनादी की गई। ढोल नगाड़े बजाकर आसपास के लोगों को पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करने से पहले मुनादी की। इसके बाद अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई भी शुरू की गई। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कन्नौज में खासा तैयारियां देखने को मिल रही हैं। खासकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर यहां सभी विभाग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। आरटीओ विभाग पूरे जिले के वाहनों में तिरंगा स्टिकर लगा रहा है। इसकी शुरुआत आरटीओ ने वाले अधिकारियों की गाड़ियों से की। सहारनपुर के थाना सरसवा क्षेत्र के ग्राम गदरहेड़ी में एक ही समुदाय के दो पक्षों में फायरिंग हुई और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सुधीर कुमार सिंह और सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर पंथाड़ा के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतकों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई है। समुदाय के दो पक्षों में झगड़ा हुआ जिसमें की गोली चलने से एक युवक की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल है जो हमलावर है। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा मिशन को पूरा करने के लिए ऋषिकेश महरद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से शुरू हुई जो त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पहुंचकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों भाजपाइयों के साथ कई स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लहराते हुए हर तरफ वंदे मातरम के नारे गूंजते हुए नजर आए। फर्रुखाबाद में कोतवाली के सामने तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है। पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। एक तरफ जहां देश में केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन हर घर तिरंगा कार्यक्रम का अभियान चला रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तिरंगे झंडे के ऊपर सामुदायिक विशेष का झंडा लगाकर अपमान किया गया। तिरंगे झंडे के ऊपर हरा झंडा लगाकर यहाँ पर रखा गया है जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर इस बार पर्यावरण को मिलने वाली चुनौतियों और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्कूली बच्चों द्वारा हर्बल रक्षाबंधन की थीम पर फूलों की राखियां बनाकर प्रदूषण मुक्त रक्षाबंधन मनाने की अपील की गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।